केसीआर के खिलाफ यह तेलंगाना की जनता का आगाज है जिसने आरएस प्रवीण सर को मुख्यमंत्री बनाने का ठान लिया है। तेलंगाना में बाबा साहेब जी के हाथी के नीले रंग की सुनामी चल रही है लेकिन मीडिया को सुनामी दिखाई नहीं दे रही है। सूरज नीला हो गया, जिधर देखो पूरा शहर नीले रंग से भर गया है। रोड शो में बसपा के तेलंगाना प्रमुख डॉक्टर आरएस प्रवीण, बीसी विड पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी बट्टे जनैया ने जमकर धमाल मचाया। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि अगले चुनाव में सूर्यापेट में हाथी की जीत होगी। बसपाइयों का कहना है कि इससे प्रतिद्वंदी दलों के नेता थर थर कांपने लगे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस मौके पर डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने कहा कि चुनाव संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले बीआरएस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में केंद्रीय चुनाव आयोग पूरी तरह से विफल रहा है। नलगोंडा जिला मार्केटिंग सोसाइटी डीसीएमएस के अध्यक्ष बट्टे जनैया यादव ने बसपा में शामिल होने के अवसर पर सोमवार को सूर्यापेट शहर में एक विशाल रैली का आयोजन किया। रैली के बाद इन्होंने पार्टी कार्यालय में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात की। इन्होंने कहा कि वह उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे जो सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी के पिट्ठू के रूप में काम कर रहे हैं। Thank you.
ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಜಾಲನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.